उठा दो इनको, इनको उठाओ भाई, उठाओ इनको, पूछो इनसे क्या हुआ। हमारे तो बहुत है, देखिए ना पूरा मूड। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से लगातार गुंडागर्दी की शिकायतें और खबरें आ रही थी, और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पुलिस प्रशासन को ही हैरत में डाल दिया। दरअसल यहां पर दो युवकों ने एक पुलिस आरक्षक पर ही हमला बोल दिया। उस पुलिस आरक्षक को इतना मारा कि उसके दांत ही टूट गए। उसको अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की खोज कर रही है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। अरीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में पीटीएस चौराहे के पास सोमवार रात को एक घटना हुई, जिसमें सीसीटीएनएस में पदस्थ ड्यूटी से वापस लौट रहे एक आरक्षक से दो युवकों ने जमकर मारपीट कर दी, जिसमें आरक्षक को गंभीर चोटें आई और उसका दांत भी टूट गया। एक आरक्षक जो कि सीसीटीएनएस शाखा पदस्थ ऑफिस में, उसके साथ मारपीट की है दो लोगों ने, और इसमें अभी उसमें एफआईआर वगैरह किया जा रहा है आरक्षक की तरफ से, और उसमें जैसा पाया जाएगा वो वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तक ये पता चला है कि वहीं पे तत्कालिक एक विवाद हुआ था, और जिसकी वजह से इन दो लोगों ने आरक्षक के साथ मारपीट की। सर विवाद का कारण कुछ पता चल रहा है? विवाद का कारण था कि आरक्षक ने जो आरोपी है उसकी गाड़ी को साइड करने के लिए बोला था, और शायद उसी बीच में कुछ हुआ है। उसके बाद जब आरक्षक अपना गाड़ी रोक के सब्जी खरीद रहा था तो उसके साथ मारपीट की गई थी, और आरक्षक उस समय क्योंकि ऑफिस में था, सिविल में था और अपने पर्सनल काम से गया था। क्या आरोपी की पहचान बताई? बिल्कुल आरोपी की पहचान होगी और साइज में पाया। घटना कहाँ की सर जी? घटना कहाँ की सर? घटना ये पीटीएस चौराहे के पास। इस घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि आरक्षक अपनी बाइक से पुलिस लाइन की ओर जा रहा था, और गुड़ चौराहे के पास दो युवक अजीब तरीके से गाड़ी चला रहे थे और पूरे रोड में गाड़ी को दौड़ा रहे थे। आरक्षक ने हॉर्न बजाया लेकिन युवकों ने साइड नहीं दिया। आरक्षक ने आगे आके उनसे कहा कि गाड़ी सड़क के किनारे से चलाएं, लेकिन यह समझाने पर भी उन्होंने सड़क नहीं छोड़ी। तब आरक्षक उनसे आगे निकलकर पीटीएस चौराहे पर सब्जी की दुकान पर सब्जी लेने लगा। तभी दोनों युवक पीछे से आए और आरक्षक के साथ मारपीट करने लगे। आरक्षक को गंभीर चोटें आई हैं और उसके दांत भी टूट गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उसकी तलाश जारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह और सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी बिछिया थाना पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। पहचान होने के बाद उन दोनों युवकों की पुलिस तलाश कर रही है। उठा दो इनको, इनको उठाओ भाई, उठाओ इनको, पूछो इनसे क्या हुआ। हमारे तो बहुत है, देखिए ना पूरा मूड। लेट बह रहा, वीडियो न बनाए, क्या गलती कर दी से हूँ मैं। और जो मारे उनकी भी ले लीजिए। हो मारा कौन है? जो मारे उनकी भी लेना चाहिए थे, मैं तब नहीं थे यार। अरे मैं अभी आया ना, बहुत मारे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।